स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। और आज यहाँ हम करने वाले हैं दो रियलमी स्मार्टफोन के बीच में चार्जिंग कंपैरिजन। जी हाँ, एक है हमारा रियलमी का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 7 प्रो और दूसरा है रियलमी X2। जी हाँ, एक फ़ोन में आपको 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर दिया गया है तो वहीं पर दूसरा जो रियलमी X2 है उसके अंदर में 30 वाट का डार्ट चार्जर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ हम टेस्ट करके आपको दिखाने वाले हैं कि 30 वाट और जो 65 वाट है उसके बीच में चार्जिंग का कितना डिफरेंस। और बैटरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फ़ोन में आपको सिमिलर ही बैटरी मिल जाते हैं। कुछ MAH के जो है डिफरेंस है जो आप डिस्प्ले पे देख ही सकते हैं कितना MAH का डिफरेंस है। और यहाँ पे साथ ही आपको टेम्परेचर चेक करके भी बता दें कि फ़ोन का टेम्परेचर कितना जाता है अगर चार्जिंग करते हैं। जो लोग रियलमी 7 प्रो के चार्जिंग वीडियो का इंतजार कर रहे थे तो आपको क्लियरली यहाँ सब कुछ दिख जाएगा कि फ़ोन कितना हीट हो रहा है, कितना चार्जिंग में समय लग रहा है। साथ ही जिनको ये देखना था कि रियलमी X2 से अगर कंपेयर करते हैं या फिर रियलमी 6, 7 वगैरह से तो कितना डिफरेंस रहता है, वो भी आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। तो चलिए अब चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज एक चीज जो है गलत हो गया, बहुत दिनों से हम ये फोन यूज कर रहे थे स्टॉप वॉच के लिए लेकिन अचानक से इसका डिस्प्ले आज काम करना बंद कर दिया है। तो आज हम स्टॉप वॉच नहीं यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट यहाँ जो टाइम आपको दिख रहा है वही आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना समय लगता है चार्ज होने में। तो सब कुछ आपको डिस्प्ले पे दिख ही जाएगा। तो एक चीज़ और आपको क्लियरली बता दे, कुछ वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था चार्जिंग वाले वीडियो में कि भाई साहब तुम डिस्प्ले जलाकर ही छोड़ देते हो, जो वीडियो बनता है उसी समय में डिस्प्ले लाइट जलता है जिस समय तक कैमरा ऑन होता है। जैसे ही कैमरा बंद हुआ पावर बटन दबा देता हूँ, फ़ोन को ऑफ नहीं करता, बस डिस्प्ले को ऑफ करता हूँ ताकि चार्जिंग फास्ट रहे। अगर आप रियलमी X2 के 65 वाट वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, जब इसे ही आप डिस्प्ले ऑन करेंगे आपका चार्जिंग स्पीड घट जाता है, 18 वाट पे आ जाता है। और जैसे ही आप डिस्प्ले का लाइट बंद करेंगे आपका जो चार्जिंग स्पीड है वो 27 वाट और जो 65 वाट वाले चार्जर है वो 50 प्लस आराम से चले जाता है। तो यहाँ पर आपका चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और जो भी समय है वो आप डायरेक्टली यहाँ देख ही सकते हैं। तो देखते हैं कितना जल्दी कौन सा फ़ोन चार्ज होता है। जब हमने 2:38 पे चार्जिंग चेक किया यानी कि 13 या 15 मिनट का समथिंग हुआ है, उसके बाद जब हमने चार्जिंग चेक किया तो आंखें मेरी खुली की खुली रह गई और आप भी देख करके हैरान रह जाओगे, जो चार्जिंग है वो डबल स्पीड से चार्ज हो रहा है। जी हाँ, रियलमी X2 सिर्फ 29% चार्ज हुआ है जबकि रियलमी 7 प्रो 54%। जी हाँ, 54% चार्ज हो चुका है जिसे देख करके मैं एकदम से हैरान हूँ। तो बहुत ही अच्छा यहाँ चार्जिंग परफॉर्मेंस रियलमी 7 प्रो में मिल रहा है, जो 65 वाट का चार्जर है वो यहाँ पे अपना कमाल दिखा रहा है। और अगर आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं रियलमी X2 35.2 दिखा रहा है और अगर मैं रियलमी 7 प्रो की बात करूँ तो वह भी आप यहाँ देख सकते हैं, उसका भी 36.3 यानी कि 1 डिग्री का जो डिफरेंस है। बाकी टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल ही है, कोई हीटिंग वाली इशू मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद हमने 2:57 यानी कि 32 से 35 मिनट के बाद चेक किया कि फ़ोन कितना चार्ज है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो चार्जिंग है वो कितना क्विक है, 97% रियलमी 7 प्रो चार्ज हो चुका है। जी हाँ, बस 3% है, पता नहीं जब तक मैं बात करूँगा तब तक हो सकता है यह फ़ोन फुल चार्ज हो जाए। जी हाँ, 97% यह कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप रियलमी X2 की तरफ देखेंगे ये बेचारा अभी सिर्फ और सिर्फ 60% चार्ज हुआ है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा गैप है। लेकिन हाँ, रियलमी X2 का भी चार्जिंग स्पीड वो धीरे से बढ़ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 तक पहुँच चुका है, लेकिन जो 7 प्रो वो 100 पूरा करने में सिर्फ 3% बचा है और इसे पूरा होने में थोड़ा समय जरूर से लग जाएगा क्योंकि 95 के बाद ही मैंने देखा था जो चार्जिंग स्पीड है रियलमी 7 प्रो की वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उन सभी में यही एक टेक्नोलॉजी काम करता है, जब आपका फ़ोन कंप्लीट होने वाला रहता है 90 के पास आता है तो आपका चार्जिंग स्लो हो जाता है, वही टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं होता लेकिन हल्का सा स्लो होता है और कुछ समय बाद यहाँ आप देखेंगे जो मेरा रियलमी 7 प्रो है वो अब 100% चार्ज हो गया है। जी हाँ, जो रियलमी 7 प्रो है अब 100% चार्ज हो चुका है। 3 बजे हमारा जो रियलमी 7 प्रो का चार्जिंग है वो 100% कम्प्लीट हो चुका है। 2:23 पे हमने स्टार्ट किया था चार्जिंग और फाइनली 3 बजे जो है चार्जिंग संपन्न हो चुका है। तो 40 मिनट के आसपास जो है लग जाता है रियलमी 7 प्रो को 100% चार्ज होने में और यहीं पे रियलमी X2 आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 64% चार्ज हुआ और इसे अभी चार्ज होने में आधा घंटा के आसपास जो है लग जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में रियलमी X2 को चार्ज होने में लग जाता है। आप रियलमी 7, 6 किसी को
भी चार्ज करेंगे जो 30 वाट चार्जर से चार्ज होता है वो इतना ही समय लेता है। जो Realme 7 Pro है उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 33.7 बता रहा है, तो टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहा, बल्कि लास्ट में जा करके टेम्परेचर और कम ही हो गया है। तो फ़ोन एक ज़रा भी हीट नहीं होता है चार्जिंग के समय में, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो क्विक चार्जिंग आपको मिल जाता है और कोई भी हीटिंग इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा चार्जिंग कंपैरिजन वीडियो Realme X2 और Realme 7 Pro के बीच में। बेसिकली यह 35 वाट वर्सेस 65 वाट था और आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा गैप है चार्जिंग में। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी बताना हो पूछना हो तो बेशक आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।